बहुत मस्ती करने वाले हैं। पापा मम्मी तो पूरा पागल ही हो जाएंगे। हाय, वो थोड़ा सैड है अभी। देखो अपना यूट्यूबर रो लेगी देखो। और उस दिन क्या हुआ था पता है? अपने मम्मी पापा को बिना बताए ही वो चली गई थी। हाय मंकी, हेलो, हाय बोल दो कैमरा को, हाय बोल दो, चला गया तू। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आद्यांश चैनल। सो आज का व्लॉग ना बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि अभी ना मैं दीदी और आरी ना बहुत सारे ट्रिप्स जाने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा घूमेंगे, ट्रैवल करने वाले हैं। हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं और उसका ना सीरीज़ बाय सीरीज़ व्लॉग आएंगे, तो फिर ज़रूर देखना। हम तीनों का मस्ती, बहुत मस्ती करने वाले हैं। पापा मम्मी तो पूरा पागल ही हो जाएंगे। और जो डेस्टिनेशन है वो हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि वो एक सरप्राइज है। और वो जब हम लोग पहुंचेंगे आप लोगों को पता चलेगा, तो आप लोगों को व्लॉग को एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को पता चले। और आदि, आर यू एक्साइटेड आदि? ओ आदि बाबा, हाय बोल दो, हाय बोल दो, फ्रेंड लोगों को हाय बोलो। हाय, वो थोड़ा सैड है, वो इतने गुस्से में है। ये आ गए मम्मी, रेडी हो आप? बोल रहे परी दीदी तुम जाओ, बोल रहा है तुम्हें घर पे छोड़ के जाएंगी। पर ध्यान से दीदी के साथ जाएगा इस बार। हां आदि, देखो परी दीदी चली गई। परी दीदी चली गई, बाय दीदी, बाय। आप तैयार हो गए? अभी चलें। ये है बोबिना यूट्यूबर, ओके। ये साथ में नहीं जा रही है क्योंकि अपने बेटी को अकेले फर्स्ट टाइम छोड़ रही है। कैसा लग रहा है? थोड़ा दुखी लग रहा है। दुखी लग रहा है? वैसे आप लोग बोबिना यूट्यूबर का चैनल देखे हो कि नहीं? नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप देख लेना, ठीक है ना दीदी? ना दीदी फर्स्ट टाइम छोड़ के रहेंगे अपने मम्मी को, है ना? हाँ। क्या छोड़ के रह पाओगे ना? हाँ, अभी आप रोना नहीं है, ठीक है ना? तीन दिन आपके मम्मी उनके मम्मी के साथ है। ये कंफ्यूजिंग है। तो उन आपकी मम्मी को मतलब परेशानी नहीं होगी? अच्छा, तो आपको मेरी याद नहीं आएगी? तो मम्मी आप अपने बेटी को संभाल कर रखना, ठीक है? हम लोग घूम फिर के आते हैं, ठीक है? तो वैसे हम लोग अभी भुवनेश्वर पे हैं और अभी डेट है 19 अप्रैल और सुबह का बज रहा है कितना, 7 o'clock मोस्टली, ठीक है ना? क्योंकि अभी ये गर्मी का दिन चल रहा है तो हमको अर्ली मॉर्निंग ही कहीं पे हम घूम पाएंगे, दोपहर को तो कहीं पे नहीं घूम पाएंगे, तो अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग मोस्टली। और वैसे ये लोगों ने आपको बताया नहीं होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। वैसे हम लोग बीच जाने वाले हैं और एक जो फेमस टेम्पल है वहीं पर जाने वाले हैं। अगर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो शायद कोई कोई चीज़ स्किप हो जाएगा, तो इसीलिए मैं अभी नाम लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो प्लान होता है मोस्टली डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। तो चलिए चलते हैं। अभी ये बाबा परेशान हो रहा है, देखो गुस्सा। आदु, आज आदु थोड़ा जल्दी सुबह उठ गया है ना, तो इसीलिए थोड़ा वो गुस्से गुस्से में है। पापा को एक किसी दे दो फिर जाएंगे, किसी दे दो पापा को एक। ओ बाप रे, बहुत मुश्किल से एक किसी मिला है मेरे को। चलो चलो बैठो बैठो बैठो। कौन आगे बैठने वाला है? एक काम करो रूबी, इस बार आपको आगे बैठना पड़ेगा। ओहो हो, रुको 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 रुको, अच्छे से तो दोनों बाय बाय बोल दो। हमने बेटी को याद भी नहीं कर लोगे। आपकी कितनी प्यारी बेटी है। अभी देखो बबना यूट्यूबर रो लेगी, देखो अभी रो लेगी, थोड़ा सा बस अभी रो लेगी, देखो। नहीं रोने का रोना है दीदी, अगर मैं लड़ाई करूंगी ना तो दीदी रो लेगी। मुझे लगता है आप लोग आज मेरे को बहुत परेशान करने वाले हो आगे बैठ के। ये सीट को थोड़ा आगे कर लो ना, इधर इधर ऐसे ने आगे थोड़ा कर लो ऐसे। तो फिर अभी जीनी जा रहा है गोपालपुर, तो फिर चलो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर जर्नी। लेट्स गो जीनी। अभी पहला जो हमारा डेस्टिनेशन है एक टेम्पल है, वो उड़ीसा का एक बहुत फेमस टेम्पल है, ओके। एक शक्तिपीठ बोलते हैं जो देवी देवी मंदिर है, तो वो भुवनेश्वर से 3 hour distance है।
तो अभी टाइम हो रहा है 7:20, तो मोस्टली हमको 10:30 तक हम पहुंच जाएंगे, तो वहां पे टेंपल पे दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम देवी माँ का दर्शन करेंगे, तो कौन सा टेंपल जा रहे हैं वो पहुंचने के बाद बताऊंगा मैं। अभी हम एक गेम खेल रहे हैं। क्या गेम? वर्ड गेम नहीं, आई एम नॉट गुड एट। एक काम करो, एक स्टोरी सुनाना और एक जगह पे जहाँ पे रुक जाएगा दूसरे वाला, फिर वहीं से स्टोरी बोलेगा। ओके, गुड आइडिया, वो नाइस आइडिया। तो ठीक है, स्टोरी रुको। हाँ, तो ये मेरे लिटरेचर बुक है, मेरे इंग्लिश लिटरेचर बुक है। नहीं नहीं, एक्चुअली वो बहुत अच्छा स्टोरी है, तुम्हें अच्छा लगा। एक हॉरर काइंड ऑफ है। रहा नहीं जाता। तो इसमें क्या होता है ना, एक लड़का होता है, ठीक है, उसका नाम लुइस है, ठीक है। उसको ना एक पार्टी में इनवाइट कर रहे होते हैं कपाड़ियाज लोग, ठीक है, वो एक टाइटल है, मतलब उन लोगों का, वो लोग पार्टी में बुलाए हैं उसे। तो विंटर है, तो एक कोल्ड विंटर नाइट पे वो कहते हैं कि मैं अभी आराम से बेड में होता, गर्म पानी पीता होता और बुक पढ़ रहा होता, लेकिन उसने वो कपाड़ियाज लोगों को प्रॉमिस किया था कि वो आएगा उनके पार्टी में। तो इसलिए वो निकल पड़ा, अपना दो स्वेटर पहना, वो एक ओवरकोट पहना और एक जो देखी होगी नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल में ऐसे करके एक बांध के रखते हैं स्टाइल के लिए, वो एक्चुअल में वो ठंड से कुछ प्रिवेंट नहीं करता, स्टाइल के लिए बांध के रखते हैं। अच्छा। वैसा एक बांधा था। तो रास्ते में उसको एक लड़की दिखी, ठीक है, वो लड़की ने एक बहुत सुंदर सा गाउन पहनी थी, जैसे तुम्हारा बर्थडे गाउन है ना, काइंड ऑफ लाइक दैट। तो उसका बाल बहुत लंबा था, उसके वेस्ट तक था। और आप वहीं से स्टॉप करो, उधर से परी बोलेगी। हाँ बोलो। उसके वेस्ट तक था। हाँ। और वो व्हाइट कलर का गाउन पहनी थी, ठीक है। तो फिर उसको वो अच्छा लगी, अच्छा दिख रही थी, अच्छा दिख रही थी। तो फिर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर उसने अपने कबाडियंस या फिर उसके पार्टी में गया जा रहा था। फिर वो जब पार्टी में ऑलमोस्ट पहुंच गया था, तब उसने फिर से वो लड़की को देखा और फिर से वो चली गई, और फिर चली गई। हाँ, और फिर वो पहुंचा वहाँ और फिर आप बोलो। बस हवा निकल गई। हाँ, तो स्टोरी जहाँ से खत्म हुआ, फिर मैं आगे कंटिन्यू, मेरे को करना है। ओके, ठीक है। तो वो जो लड़की थी बहुत शैतान थी, वो अपने मम्मी पापा का बात बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। और उस दिन क्या हुआ था पता है? अपने मम्मी पापा को बिना बताए ही वो चली गई थी, और उसके पापा मम्मी बहुत परेशान थे, बेटी कहाँ गई। उसके सारे फ्रेंड लोगों को फोन किया, कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। ओके, तो फाइनली वो जाके पुलिस स्टेशन पहुंचे कि हमारी बेटी मिसिंग है, इधर बेटी मस्ती कर रही है बिना पापा मम्मी को बोले। ओके, उसके आगे मम्मी बोलेंगे। ओ नो, ये कहाँ अटक गया? यही तो गेम है। तो फिर जब कंप्लेन किए तो उनको वो पुलिस अंकल वो उनको हेल्प किए ढूंढने में, तो उनका बेटी मिल गए। तो उनको बेटी को समझाया कि ऐसे नहीं करना है, मम्मी पापा से अगर कुछ परेशानी हो या कुछ कंप्लेन हो तो बात कर, घर में बैठकर बात करना चाहिए, ऐसे बोल के मम्मी पापा उनको समझाए। तो फिर वो अपनी गलती समझ गई और बोली ठीक है, सॉरी मम्मी पापा, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे गलती कभी नहीं करूँगी, अगर कुछ बात होगा तो मैं आपसे सामने बात करूँगी और अपना डाउट क्लियर करूँगी। पार्टी करने जाऊँगी तो पता कैसे? हाँ, जो भी करूँगी मैं आपसे बोल के जाऊँगी। बोल के जाओगे तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेगा। आदि क्या बताएगा? आदि बताएगा, वो तो माशाल्लाह। आदि एक स्टोरी बोलो, कंटिन्यू करो स्टोरी को। अभी शॉर्ट चल रहा है सिब्लिंग्स के रिलेशनशिप की। बेस्ट कैसे रास्ता? अच्छा रास्ता है, रास्ता तो बहुत अच्छा है। ये मेरी बहन है, अंदर तो अच्छा लग रहा है, बट जब हम अभी बाहर निकलेंगे पता चलेगा कि कितना गर्मी है, और ये कोस्टल एरिया है तो थोड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है यहाँ पे। बट इवनिंग को बीच जाने का प्लान है, तो वहाँ पे अच्छा लगेगा इवनिंग को। हाँ, वहाँ पे अच्छा लगेगा। अभी तो मंदिर जा रहे हैं, अभी कितना टाइम हुआ? पापा फुल रेडी हैं। हाँ, ये जो ड्रेस है ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है संबलपुरी। ओके, भाई दोनों का बहन का चल रहा है शॉर्ट बनाना, जो इंस्टाग्राम पे जो है तो उनको तो मिल जाएगा वो सारा। हाँ, आप इनका जो शॉर्ट है वो मोस्टली इंस्टाग्राम पे इमीडिएटली आ जाता है, और यूट्यूब पे आने के लिए काफी टाइम लगता है, तो
अगर आपको इमीडिएट उनका शॉर्ट देखना है तो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ मम्मी दीदी का हेयर स्टाइल बना रहे हैं और यहाँ पापा आदि को इसे बोल पिला रहे हैं। पापा हाँ मैक पिज्जा। क्या बोल रहे परी? पता नहीं क्या बोल रहे बेटा। मैक पिज्जा। मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा बात। ओ परी दीदी क्या कर रही हो? ये खेल रही हूँ। पापा और कितना टाइम लगेगा? अभी ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं। अभी ये जो है अभी हम बरमपुर डिस्ट्रिक्ट पे हैं। बरमपुर ये भी उड़ीसा का एक फेमस जगह है। ओके यहाँ पे पापड़ आचार ये सब बहुत मतलब हर एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये बरमपुर के पास है जो हम टेम्पल जा रहे हैं अभी और बस 30 मिनट्स लगेगा। फाइनली हमारा जो इष्ट देवी है तारा तारिणी मंदिर अभी ये पहुंच गए हैं। मैं जब क्लास 7 पे था तब यहाँ पे मैं आया था। ओके और अभी काफ़ी धूप हो रही है और जनरली गाड़ी ऊपर अलाउ नहीं होता है, आपको यहाँ पे बस से आना पड़ता है। बट हमको थोड़ा परमिशन हमने पहले से कर रखा था तो इसीलिए हम लोग ऊपर आ गए। और अगर परमिशन नहीं होता तो काफ़ी मुश्किल होता, मतलब अभी इतना धूप में वेट करना है, ये सब करना है। चलो ये लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी पहुँच गए फाइनली तारिणी मंदिर, तारा तारिणी इसको बोलते हैं, तारा तारिणी टेम्पल। ये हमारा इष्ट देवी है। ये हमारा सरप्राइज था। हाँ ये सरप्राइज था। चलो जल्दी आ जाओ। मैं पता है जब ये दीदी जैसे 7th स्टैंडर्ड पे है मैं उतना था 7th स्टैंडर्ड पे जब था और दीदी की मम्मी स्टैंडर्ड 3rd में थे। हाँ तब हम इधर आए थे। एक छोटू से कार में बहुत सारे लोग आए थे, हम लोग मेरे पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी और 3 बच्चे। मैं हम लोग सेम एज में आया, मामू भी 7th स्टैंडर्ड में थे जब आए थे। और मुझे याद है मैं अभी मंदिर काफी चेंज हो गया। आ जाओ आ जाओ। परी सो रही थी, उसका पैर मेरे मुंह के पास था और वो लड़की इतनी बार गिरी तो मैं उसका पैर को ऐसे करके पकड़ी। आ जाओ बाहर तो आ जाओ बाबा। आपका भी पैर मेरे। आ जाओ धूप का थोड़ा मजा लो, धूप का मजा लो। ए पापा का कैप लाओ आदि, पापा का कैप, पापा का कैप आदि, पापा का कैप। ओ थैंक यू आदि। कैप चश्मा पहन लिया। ओके जरूर लाना यहाँ। हाँ, बहुत यहाँ पे ये देखो ये लोगों को। और आदि बोल रहा है मेरा चश्मा। आदि को क्या चाहिए? आदि को क्या चाहिए? चश्मा चाहिए। ओ नो। ओ मम्मी जी आदि का है कि नहीं चश्मा? जल्दी से दो आदि, बोलो मम्मी को आदि चश्मा दे दो, ब्लू कलर का दे दो मम्मी। हाँ ये देखो हीरो कैसा लग रहा है मेरा चश्मा, बोलो। अरे बाबा चलो जल्दी डोर क्लोज करो, डोर क्लोज करो। चलो चलो इधर देखो बहुत सारे मंकीज हैं। किधर है मंकी? ओ ऊपर मंकी है। ये देखो मंकी, ये देखो। हाय बोल दो मंकी को। हाय हाय मंकी, हेलो। हाय बोल दो कैमरा को। चला गया आदू। चलो ये देखो टेम्पल है, चलो टेम्पल चलते हैं। मम्मी को बुलाओ, आ जाओ मम्मी। दीदी को बुलाओ, कम कम बोलो। प्रियांशी। हाँ प्रियांशी, प्रियांशी प्रियांशी बुला रहा है दीदी ये तुमको। ओनली प्रियांशी, दीदी नहीं बोलता, प्रियांशी। सबसे अच्छा किसका कैप लग रहा है फ्रेंड लोग आप बताना, ठीक है ना? ये कैप नंबर 1 ब्लू, ये ग्रीन और ये है मिलिट्री स्टाइल। मेरा अच्छा नहीं लग रहा। नहीं 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 नहीं, अरे बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो फ्रेंड लोग बताएंगे। ये ऑप्शन 3 है और ये पिंकी पिंकी पर्पल पर्पल। मुझे आदि का कैप सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। आगे ये पहाड़ के ऊपर है, जीनी पहाड़ के ऊपर लेके आया है। पहाड़ के ऊपर है ये? और क्या, पहाड़ के ऊपर है। ये देखो हम जब बचपन में इधर आए थे परी ऐसे आए थे, इधर वॉक करके आए थे। ये देखो ये जो नीचे वाला देख रहे हो ना, ये हाँ ये स्टेयर को चल चल के हम आए थे। ये जो नीचे वाला स्टेयर देख रहे हो ना, ये पूरा नीचे से पहाड़ के ऊपर आता है। ये पीछे जो एक आपको रिवर दिख रहा है ये ऋषिकुल्या नदी है। ऋषिकुल्या परी, ऋषिकुल्या नदी का नाम सुना था? नहीं। तो
अगर आप तारा तारिणी टेम्पल आ रहे हैं तो यहाँ पे जूता स्टैंड है 3 रुपीज और शायद अंदर चलते हैं क्या है। ओके, आप मोबाइल लोगे ये सब यहाँ पे रख सकते हो। अभी ये जो आप पीछे देख रहे हो ये है तारा तारिणी टेम्पल और अभी हम लोगों का दर्शन हो गया। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो इसीलिए आपको दिखा नहीं पाए कुछ। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रसाद मिलता है और परी की मम्मी परी ये लोग क्या लेंगे सोच रहे हैं। क्या लेने वाले हो परी? ये आरिसा बोलते हैं। ये कौन सा वाला है? वो चीनी वाला आरिसा है, वो वाला ये चीनी वाला। हाँ, ये 2 पीस दे दीजिए, वो भी दे दीजिए दोनों। और बालसे सब एक एक दे दीजिए, ठीक है ना? जो भी है सबसे दे दीजिए। हाँ, वो 2 पीस वो पैकेट एक। एक पैकेट कितना? वो 50 रुपये पैकेट। हाँ ठीक है, एक पैकेट दे दीजिए। और वो बालसे दे दीजिए, ये मम्मी का फेवरेट है, वो दे दीजिए। अभी ये जो आप टेम्पल देख रहे हो ये बहुत न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जो लोग मतलब 2-4 साल पहले आए होंगे ना, जब इधर आएंगे तो उनको कम्प्लीटली अलग सा टेम्पल जैसे लगेगा, बट जो देवी माँ है वो चेंज नहीं होंगे कभी भी। क्या करना है इधर? इधर हम एक लेंगे सर, नेम वाला। फाइनली हमको यहाँ पे एक छाव मिल गया और आदू यहाँ पे मंकी देख रहा है ना? आदू बेबी मंकी है। बेबी मंकी है, ये देखो ये बेबी मंकी है। हाय बोल दो। हाय। और पहाड़ के ऊपर से आपको व्यू मैं दिखाता हूँ कैसा है। अभी तो बहुत धूप हो रहा है, ये आपको देखिए। आदि ये क्या है दिखाओ? कुकुम्बर खा रहा है आदि? वो मंकी आके खा लेगा तुम्हारा। ए, तुमने इधर से वो व्यू देखा कि नहीं उधर साइड से? अभी इन लोगों का शॉपिंग हो गया। अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको आदि को देखो, मतलब इधर मेरे हिसाब से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो होगा ही होगा। और यहाँ पे जीनी रेडी है, अभी थोड़ा कूल करते हैं जीनी को। तो फिर अभी हम लोग दर्शन करके आ गए और अभी हम जीनी में बैठे हैं, जीनी को थोड़ा कूल डाउन कर रहा है, काम डाउन। हाँ, क्योंकि गर्मी बहुत, अभी हम लोगों को बहुत गर्मी लग रहा था। और पापा ने हमारे लिए जूस लाए हैं। बिल्कुल, मेरा भी है, तेरा। और मैं आपको दिखा देते हैं कीचेन्स। ये तो पहले एक फैमिली वाला है, फैमिली वाला है। सो क्यूट ना, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो फिर ये फैमिली कीचेन के बाद आता है रूबी गिटार। टंग टना, ये है मामी का चीज़, इसमें रोज भी है और एक ताज भी है, फ्लावर। हाँ, फ्लावर। और ये है परियांशी प्रियांशी। हाँ, ये मेरा कीचेन है। हाँ, क्या हुआ ना, इसमें आर्क में थोड़ा सा लग गया है रेड कलर, तो इसको मैं क्या करूंगी ना, सिल्वर कलर का कर दूंगी। हाँ, सिल्वर इसमें मैच होगा। और मेरे में एक बटरफ्लाई और एक रोज लगाया। और फिर नेक्स्ट आता है हमारी क्वीन परी। पक्का जोक था, मस्त जोक मारा रे। और फिर यहाँ लिखा है परी और एक रोज और पी में एक ताज भी है। ताज पी, क्वीन क्वीन, ये क्वीन। सो गाइस, ये वाला जो वीडियो है वो तो लंबा हो गया है, बहुत लंबा। तो फिर इस व्लॉग में हमने मंदिर का दर्शन किया, मजा आया, बहुत मजा आया। परी के साथ घूमने में मुझे हमेशा मजा आता है। हाँ,
तो फिर क्योंकि ये बहुत पका हुआ है फिर ये मज़ा बहुत आता है। अच्छा जोक था। जोक नहीं मैं सच बोल रही थी। क्या बोला तूने? फ्रेंड्स आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? और हाँ मैं आपको ना नेक्स्ट व्लॉग का एक क्लू दे देती हूँ कि जहाँ हम जाने वाले हैं ना एक होटल में और उधर सी बीच है तो वहाँ बहुत मस्ती भी करने वाले हैं हम लोग। हाँ एंड वो तो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग्स एंड आने वाले आपको अपकमिंग सीरीज में पता चलेगा कि हम लोग क्या मस्ती करने वाले कैसे टाइप का मस्ती करने वाले। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आज के लिए इतना एंड बाय फ्रेंड्स। बाय। और हाँ सबसे पहले लाइक शेयर और अगर आप आद्यांश के चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब। बाय बाय एवरीबॉडी। लेट्स इन द वीडियो। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? ये वाला वीडियो देखे हो कि नहीं? अगर नहीं देखे हो तो फिर जरूर देखना, बहुत मजेदार है।